उत्तराखंड के तपोवन में टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रात भर ऑपरेशन चलेगा। तपोवन में अब तक 26 मजदूरों के शव मिल चुके हैं, जबकि 171 लोग लापता हैं और इनमें से 35 लोगों के टनल के अंदर फंसे होने का क्या आशंका है। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त टनल में 130 मीटर तक जा चुकी हैं और अगले 1 से 2 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन उस टी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जहां से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तपोवन में एनटीपीसी की सुरंग के अंदर अब भी 30-40 लोग हो सकते हैं, जिन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई गई है। हमारे 2 रिपोर्टर्स इस वक्त टनल के पास खड़े हुए हैं। तपोवन टनल से लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तपोवन में इस वक्त क्या हो रहा है? एक बार फिर यहाँ अर्थ मूवर के जरिए ही इस मलबे को निकाला जा रहा है। जैसे ही टनल आधी हो जाएगी, उसके बाद एक बार फिर ये कोशिश की जाएगी कि जवान फट्टे रखते हुए मलबे पर अंदर की तरफ जाएं और टनल के अंदर घुसने की कोशिश करें। प्रलय से कितने बचे, अभी कितने फंसे? ऋषि गंगा परियोजना का जो पावर प्लांट है, उसका जो कैंप ऑफिस यहाँ पर था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। पूरा डैम जो वहाँ पर बना हुआ था, वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। उसका जो पूरा मलबा है या ऊपर जो सैलाब के साथ मलबा आया, वो सारा मलबा यहाँ पर आकर भी काफी मात्रा में इकट्ठा हुआ है। 33 घंटे से जारी दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन। त्रासदी की वो तस्वीरें जो पहले नहीं देखी होंगी। धौली गंगा नदी है, लेकिन ये जो नदी है, ये इस वक्त पूरे के पूरे मलबे में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके का नजारा, कल तबाही जिस तरीके की मची, उसके बाद से जो नजारा है वो बेहद ही डराने वाला है। और इस वक्त आपको हम उसी जगह जा रहे हैं, उस जगह तक जहां पर ये ग्लेशियर जो है वो टूट कर उसका हिस्सा नीचे की तरफ आया और उसके बाद पूरा मलबा और पानी सारा नीचे बहते हुए निचले इलाकों की तरफ आया। पंद्रह हजार फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सूरज डूब चुका है, अंधेरा छा चुका है, लेकिन उम्मीद की रोशनी अभी बरकरार है। एनटीपीसी की टनल में इस वक्त भी राहत और बचाव का काम जारी है। आपको बता दें कि 70 मीटर तक इस टनल को साफ कर लिया गया है। अभी भी बड़े बड़े अर्थ मूवर्स यहां से मलबा निकाल रहे हैं। चूंकि ये मलबे वाली टनल थी, इसलिए इसका ढलान नीचे की तरफ है, जहां बड़ी संख्या में मलबा भरा हुआ है, जिसको लगातार निकाला जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए लगभग 35 घंटे का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 70 मीटर का मलबा ही हटाया जा सका है। आपको बता दें कि इस मलबे को हटाने के लिए 22 ग्रेनेडियर्स, इंजीनियर्स, यहां गढ़वाल स्काउट्स के अलावा आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, लेकिन ये जो बचाव कार्य है, ये फिलहाल एक टनल में चल रहा है, इसलिए ऑपरेशनल मजबूरियां हैं कि एक ही अर्थ मूवर काम कर सकता है और यहां फिलहाल निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि यहां आगे जाकर एक टी पॉइंट बनता है, जहां से 3 हिस्सों में ये टनल बटती है, जहां टनल की जो गोलाई है वो कम हो जाती है और उम्मीद की जा रही है कि उस गोलाई में जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, उसने मलबे को रोका होगा और जो लोग अंदर फंसे हैं उनके लिए हवा वहां होगी, ताकि वो जिंदा रह सके। हालांकि इस मौसम में जहां धूप जाने के बाद यहां ठंड लगातार बढ़ने लगती है और तापमान 4 से 5 डिग्री तक रहता है, ऐसी स्थिति में हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है और यहां एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, और इसीलिए लाइट का इंतजाम किया गया है। और अब आर्मी की तरफ से कहा गया है कि रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, जब तक यहां अंदर सब कुछ क्लियर नहीं किया जाता तब तक चलेगा, बिना इस बात का परवाह किए कि दिन है कि रात है, 24 घंटे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल के अंदर से जो तस्वीरें आई हैं, वो बता रही हैं कि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना मुश्किल है। यहाँ आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की स्पेशल टीम ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बाहर ही आर्मी मेडिकल कोर ने
कैंप स्थापित किया है, जो भी मजदूर बाहर निकले उसको तुरंत मेडिकल सहायता दी जा सके उसके लिए तैयारी की गई है। यहाँ बाकायदा बेड लगाए गए हैं और अगर आप इक्विपमेंट पे देखेंगे तो ऑक्सीजन से लेकर यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा भी ऑन ग्राउंड टनल के बिल्कुल बाहर मौजूद है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और बताइए क्या किस तरह की तैयारी है आपकी और क्या आपको उम्मीद है कि जो लोग हैं क्या वो अभी भी स्वस्थ होंगे या कोई गंभीर संभावनाएं आप तलाश रहे हैं? सर, हमारी तो भगवान से ही प्रार्थना है कि लोग स्वस्थ निकलें और हम लोगों को मौका मिले उनकी जान बचाने का, सेवा करने का। बाकी हमने सारी सुविधाएं यहाँ रखी हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, इमरजेंसी मेडिसिन हैं, जो भी आगे कैजुअलिटी हम उसको अच्छे से सेव करते हैं। सिचुएशन में जब किसी टनल से किसी को निकाला जाए तो किस तरह की स्थिति में एक मजदूर हो सकता है और किस तरह के इक्विपमेंट आपके पास है? मजदूर एक तो बहुत ठंड में रहा होगा अंदर, बिल्कुल बॉडी कूल होगी, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन होंगे उसके, कहीं मुंह में, नाक में, कान में, कहीं वो सांस वांस लेने में उसको दिक्कत हो रही होगी, इंजुरीज होंगी उसके, सर में लगी होगी, कहीं हाथ पांव में लगी होगी, फ्रैक्चर वगैरह होंगे, उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हमारे इक्विपमेंट्स भी है, मेडिसिन भी है, सब कुछ है। तो यानी ऑक्सीजन से लेकर बीपी मॉनिटरिंग से लेकर वेंटिलेटर से लेकर जो बाकी इमरजेंसीज है उनसे निपटने के लिए पूरी टीम तैयार है, कैंप तैयार किया गया है ताकि जो अंदर से मजदूर निकले उनको अस्पताल पहुंचाने में वक्त जाया ना हो, इसीलिए ग्राउंड पर आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से एक कैंप बनाया गया है जो हर गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिस सुरंग से पानी गुजरता था वो मलबे से ठप हो गई। 10-10 मीटर आगे बढ़ने में काफी वक्त लग रहा है। सुरंग के अंदर 30-40 लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें क्यों आ रही हैं? इसके लिए टनल के नक्शे को समझना जरूरी है। ये सुरंग 3 किलोमीटर तक लंबी है और इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर है। इस सुरंग के 180 मीटर अंदर जाने पर एक टी पॉइंट आता है जहां से तीन और छोटी टनल बनी हुई हैं और ये 2.5 मीटर चौड़ी हैं। अगर मलबा आया होगा तो ऐसा अंदाजा है कि उसकी रफ्तार यहां कम हो गई होगी और इसके आगे काम कर रहे 30 से 35 लोगों के लिए उम्मीद है कि वो 600 मीटर पर हैं और वहां सुरक्षित हो सकते हैं। मलबे और उनके बीच में बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं जिससे उन तक मलबा ज्यादा नहीं पहुंच पाया होगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। इस टनल में जो मलबा भरा है वो रैणी गांव से बहता हुआ आया। जाहिर है तपोवन से ज्यादा नुकसान रैणी में जरूर हुआ होगा, इसके लिए हमको रैणी गांव और ऋषि गांव की पुरानी तस्वीरें देखनी चाहिए। ये सैटेलाइट तस्वीरें जल प्रलय के पहले की हैं, जिसमें रैणी गांव में ऋषि गंगा के ऊपर पुल और पास में कुछ इमारतें नजर आ रही हैं। सैलाब के बाद इस इलाके का क्या हाल हुआ वो आपको गोनिका दिखाएंगे। गांव को जोड़ने वाली वो सड़क है, यहाँ पर ब्रिज था लेकिन अब वो ब्रिज तो पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ पर सुबह तक पूरा ही मलबा था। पूरा मलबा यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ी थी वहाँ से लेकर यहाँ पूरा पीछे तक मलबा है, लेकिन अब बीआरओ की टीम जब सुबह से यहाँ पर पहुंची है तब से ही ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर जारी है कि यहाँ पर कैसे भी जो सामने की तरफ रैनी गांव, लाता गांव या फिर मलारी गांव, ये तमाम गांव जो उस तरफ हैं वो गांव अब क्योंकि कनेक्टिविटी उनसे खत्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज था वो ब्रिज पूरी तरीके से टूट चुका है उस सैलाब के चलते, और इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस गांव को कनेक्टिविटी से दोबारा से जोड़ा जाए। ब्रिज बनाने की कोशिश अब लगातार बीआरओ की तरफ से की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल इस काम में हो रही है वो ये हो रही है कि जिस तरीके से पूरी रोड पर मलबा ही मलबा है उस मलबे को हटाने में वक्त लग रहा है। हालांकि बीआरओ की टीम यहां पर 24 घंटे काम करेगी, ये जो है जानकारी दी गई है कि 24 घंटे यहां पर ऑपरेशन चलेगा। हम देख रहे हैं कि बीआरओ की टीम यहां पर लगी हुई है लेकिन अभी सिर्फ मलबा हटाने का काम चल रहा है और उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। कल जब से 11 बजे से आपदा का घटना हुई थी तब से बीआरओ एक्टिव है। आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड में जहां पर ये ब्रिज डैमेज हुआ है उसके दोनों एक्सिस में हमने मशीनें इंडक्ट कर दी है। अब ये काम धीरे इसलिए चल रहा है कि यहां नीचे डेड बॉडीज मिल सकती है, इसलिए काम में थोड़ी बाधा आ रही है, स्लो काम हो रहा है ताकि डेड बॉडी अगर कोई हो तो उसको सुरक्षित निकाला जा सके। पहाड़ों में एक जगह खड़े होकर एक एंगल से ये समझना कि कितनी तबाही मची है, कितना नुकसान हुआ है, ये मुमकिन नहीं है। कहीं हजारों फीट की ऊंचाई है तो कहीं एकदम गहरी खाई है। ग्लेशियर कहां से टूटा, कितनी ऊंचाई से नदी में गिरा, एक्चुअल सिचुएशन समझने के लिए आपको टॉप एंगल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारी टीम ने हेलीकॉप्टर से वो तस्वीरें रिकॉर्ड की जो अब तक आप तक नहीं पहुंची थी।
इस वक्त हम जो है जिस इलाके के ऊपर से निकल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाया कि नीचे आपको नदी तो बहती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूरा मलबा दिखाई देगा, क्योंकि ये वही मलबा है जो उस पानी के साथ, उस सैलाब के साथ बहता हुआ नीचे की तरफ आया। और फिलहाल हम आपको पूरा नज़ारा इस वक्त दिखा रहे हैं इस चॉपर के जरिए कि किस तरीके से ये पूरा रास्ता जो है ये ऊपर रैनी गंगा की तरफ जाता है, रैनी गांव की तरफ जाता है, रैनी गांव उसके आगे जहां पर ऋषि गंगा डैम परियोजना चल रही थी, जहां वो डैम बना था वहां से भी 32 लोग लापता हैं, उन लोगों की भी तलाश की जा रही है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखाएं कि नीचे आपको नदी तो दिखाई देगी, धौली गंगा तो दिखाई देगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देगा। और ये वही जगह है जहां से ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आया। ये देखिए यहाँ पर जो पुल है वो फिलहाल एक स्थायी पुल है, लेकिन जो असल पुल था वो पुल ध्वस्त हो चुका है। ये वक्त रुकना होगा हमें एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे सुपर 100 आज दिन भर की 100 बड़ी खबरें।